Priyanka Antarvedi, Assistant Professor and PDP Trainer at Allen House Colleges. Today, we are going to talk about five factors that we should consider while planning our career. ऐसी कौन सी पांच चीजें हैं जो हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम अपना करियर प्लान करें? पहला, आपका अपना innate interest, यानी कि आपकी सहज रुचि. For instance, if you get stuck in a career that does not belong to your interest, you are heading for a life full of dissatisfaction. इसलिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि किसी भी करियर का चयन करने से पहले हम अपनी रुचि को, यानी कि अपनी innate interests को पहचाने, समझे और फिर उसी के हिसाब से अपने करियर का सही चयन करें। दूसरा, आपका पर्सनालिटी टाइप, यानी कि आपका अपना व्यक्तित्व. फॉर इंस्टेंस, यू आर अ पर्सन हु लव्स टू वॉन्डर, हु लव्स टू टॉक टू पीपल, मीट न्यू पीपल. पर आप किसी ऐसे जॉब में फंस जाएं जहां आपको दिन रात कंप्यूटर पे बैठकर ऑफिस में काम करना हो और किसी से ना मिलना हो, तो क्या आप खुश रहेंगे? इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी प्रेफरेंस को पहचानें और उसके हिसाब से अपने करियर का सिलेक्शन करें. तीसरा, आपके करियर स्किल्स या कौशल. हर करियर स्ट्रीम के लिए एक पर्टिकुलर स्किल का रिक्वायरमेंट होता है. जैसे कि एक सेल्स प्रोफेशनल को कन्विंसिंग या नेगोशिएशन स्किल्स जरूर आनी चाहिए, चाहे उसे एनालिटिकल स्किल्स आए या ना आए. इसलिए ये स्किल्स ही डिटरमिन करती हैं कि आप अपने करियर में कितना सक्सेसफुल होते हैं. कभी भी करियर सिलेक्ट करने से पहले आपकी खुद की अक्वायर्ड स्किल्स क्या हैं, उनको आपके करियर स्ट्रीम से मैच कर देखें कि क्या आप उस स्ट्रीम में जाने के लिए तैयार हैं. चौथा है मार्केट डिमांड या समय की मांग. वैसे तो ये कहा जाता है कि हमें अपने पैशन को ही अपना करियर बना लेना चाहिए, मगर कई बार अपने पैशन के साथ साथ मार्केट डिमांड को ध्यान में रखते हुए अपने करियर का सिलेक्शन करना ही समझदारी है. सही कायदा ये है कि टॉप थ्री करियर स्ट्रीम्स को सिलेक्ट करने के बाद यू शुड जीरो डाउन टू द करियर ऑप्शन दैट लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ योर पैशन, पर्सनालिटी, योर इंटरेस्ट, स्किल्स एंड मार्केट डिमांड. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोफेशनल एडवाइस. कई बार हम अपने आसपास के लोगों को देखकर, अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव से पूछकर अपने करियर डिसीजंस ले लेते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि ये लोग हमारे वेल विशर्स जरूर हैं, पर इन्हें हर फील्ड की इन डेप्थ नॉलेज नहीं. इसलिए हमें सही करियर का सिलेक्शन करने से पहले किसी प्रोफेशनल काउंसलर या फील्ड एक्सपर्ट से राय लेकर ही अपने करियर का सिलेक्शन करना चाहिए. आई होप यू विल नाउ टेक केयर ऑफ दीज फाइव इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिफोर सिलेक्टिंग योर करियर. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर.